जिला चिकित्सालय के सिक्योरिटी गार्डों ने सौंपा ज्ञापन नए ठेकेदार सुपरवाइजर के विरोध में। सिक्योरिटी गार्डों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि ठेकेदार द्वारा 8 वर्ष पूर्व भी ठेका लिया गया था और हम सिक्योरिटी गार्ड का शोषण भी हुआ था। वहीं पीएफ के पैसे भी ठेकेदार ने नहीं दिए थे, अब उसी ठेकेदार को फिर से ठेका मिल गया है। ऐसे में उनकी चिंताएं और बढ़ गई थी। उनका कहना है कि हम लोगों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं नए ठेकेदार पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहता था, जिसके कारण उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। समस्या ये है कि हम कोरोना बैरियर हैं सारे, हमको प्रशंसा पत्र मिले, कोरोना काल में मालाएं बनाई गई और हमको कोरोना मरीजों की सेवा के लिए रखा गया। हम पिछले 8-9 साल से हॉस्पिटल में जिला चिकित्सालय में गुना में कार्य कर रहे हैं। हमने खूब सेवाएं की, हमारे परिवार को कोरोना हुआ, हम में से कई लोगों को कोरोना हुआ। हमें उम्मीद थी कि इस कोरोना काल के निकलने के बाद हमारी उन्नति होगी, लेकिन नया ठेकेदार, भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट सुपरवाइजर, उसने आके इसके प्रतिफल में हमको भारी कर दिया। बाहर करने का कारण बोला गया मैं पीएफ नहीं दूंगा, कर लूँ, मैं जो तनख्वाह दूँ वो देना पड़ेगी, कर लूँ। हमने मना किया तो उसने हमको टोटल भार कर दिया और हमारे एक दो लोग रख रखे हैं उनको भी एक एक करके सब भार कर रहा है। वो अपनी नई नियुक्ति कर रहा है, वो पैसे लेके कर रहा है, कैसा कर रहा है, हम अनुभवी लोग हैं लेकिन हमको भार कर दिया। क्या नाम है ठेकेदार? किसको मिला है? ठेकेदार जिसने लिया है, हैंडओवर किया है, सारे ठेके उसी ने किए हैं, मनीष रघुवंशी। उसने सारे ठेके अपने हैंडओवर कर लिए और हम लोगों को भार कर दिया। मनीष रघुवंशी के अलावा कब मिला है आपको, कब नौकरी संभाल किया है? हमको 4 तारीख तक साइन करवाए, 4 के बाद हमने शर्तें नहीं मानी उनकी। हमने कहा पीएफ भी चाहिए, हमें कलेक्ट्रेट भी चाहिए, तो उसने कहा घर जाओ अपने। हमने सभी जगह शिकायत की, हमारी कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। पहले क्या रेट मिलती थी? पहले हमको कलेक्ट्रेट मिल रही थी, 2013 में जो कलेक्ट्रेट चल रही थी वो हमको दी जा रही थी, लेकिन अब उसने आते से ही हमको 3,000 रुपये बोला गया और हमारे लड़कों को जो अभी हटाए उनको 6-6 दिन की पेमेंट कर दी 3,000 रुपये के हिसाब से। कितने लोग हैं आप में से? हम 13 लोग हैं और कुछ सफाई कर्मी हैं हमारे साथ में, कुछ बाढ़ हुए हैं। हम सबके साथ शोषण हो रहा है और कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है।